स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बेसिकली है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर। अच्छा, इसका सवाल बेसिकली जो आया था ना, वो KPPMS के पेपर में आया था। वो ये था कि पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 से 2026 वाली, ठीक है, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, बोला ये है कि डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ NSP एंड इट्स प्रॉस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री। कैसे सर्व कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री को, सर्व कर रहा है कि नहीं, तो बेसिकली ये सवाल है। तो यहाँ पे एज यूजल जैसे हमने बताया कैसे शुरू करना है, आपको सबसे पहले तो एंटर करनी है, लिखना है अपना इंट्रोडक्शन के बाद फॉरन कोटेशन जो आपको याद आ रही है। कोटेशन यहाँ मैंने पहले भी ये वाली बता चुका हूँ, और फॉरन पॉलिसी इज़ वन ऑफ द फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टूवर्ड्स ऑल दी वर्ल्ड। ये भी लिख सकते हैं, इकोनॉमी के से रिलेटेड कोई है वो लिख सकते हैं, तो जो भी लिख सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन किया ना, तो इस वजह से फॉरेन पॉलिसी बहुत रेलेवेंट है कायदे आजम की। इसके बाद आगे मैंने स्टार्ट करेंगे इसको, फर्स्ट एवर NSP है, फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान ने, January 15 को लॉन्च किया था इसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। सही है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑल इनकम पासिंग है, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। सिटीजन सेंट्रिक बताया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी सेंट्रिक, इकोनॉमिक सेंट्रिक है, ह्यूमन सेंट्रिक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ब्रीफ ओवरव्यू देना है, होलसम पिक्चर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स को चैलेंज कर रही है, डील कर रही है, जो कि बैरी बुजान ने बताए थे आपकी सिक्योरिटी चैलेंजेस को कौन से होते हैं इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल। 21st सेंचुरी सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, आगे जाके हम सारी चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज़ आपने डायग्राम बनानी नहीं है, तो मैंने वैसे ही यहाँ पे ऐड कर दी, लेकिन आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव देना होता है, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें बतानी होती हैं, लेकिन डायग्राम नहीं बनानी। ये वैसे आगे आके हम बना सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे बना लिया, तो डायग्राम को समझ याद कर लें, बेसिकली इसको घोल के पी लें। ये क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। बेसिकली पहले हम हमारी जो आइडियोलॉजी थी, पहले नंबर पर सिक्योरिटी था, दूसरे नंबर पर आइडियोलॉजी, तीसरे नंबर पर इकॉनमी। इसके बाद जब ये शिफ्ट आया ना, शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, ये वाला शिफ्ट आया, ठीक है। इसको हम ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और ये बहुत पुराना ये वाला पायरामिड बना हुआ है, ये तकरीबन बड़े एनालिस्ट अपने बुक्स वगैरह के अंदर यूज़ किया है। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। बेसिकली इसको कहते हैं, हमने इकोनॉमी से शुरू करके अपनी टॉप प्रायोरिटी इकोनॉमी कर दी, फिर आइडियोलॉजी को रख दिया जो कि हमारी वही टू नेशन थ्योरी, इस्लामिक आइडियोलॉजी है, फिर तीसरे नंबर पर हमने सिक्योरिटी रख दी, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस थ्रेट चेंज हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे, आगे बताएंगे क्या बुक का रेफर मैंने यहाँ पे किया है, जो कि हमारा शिफ्ट आया, हम इसको इंडोर्स कर रहा हूँ इस वाले शिफ्ट को हमारे के, जो को पाकिस्तान ने किया है, कि कैसे वॉर बाय अदर मीन्स, एक बुक है डी ब्लैकवेल की, NM हारिस ये ऑथर्स हैं उसके, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी शुड बी एट द टॉप होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी सर्व्स जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स अल्टीमेटली सर्व जियो पॉलिटिक्स, ये पहली तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, सही है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसको आगे लेके चलेंगे कि स्पेशल इम्फोसिस ऑन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब अगला हेडर आ गया, ये आप ओवरऑल इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि किस तरीके से इस बुक को थोड़ा रेफर करके क्यों पाकिस्तान ने शिफ्ट किया है, और इसमें आप बहुत सारे लोगों का डाल सकते हैं। वो एक स्टेफ क्या नाम है उसका, याद मुझे नहीं आ रहा, उसने जियो इकोनॉमिक्स का आपको आइडिया दिया था, जियो इकोनॉमिक्स के आइडिया को आप लेके बता सकते हैं कि किसने कॉइन किया था सारी चीज़ें। दूसरी हेडिंग आ जाती है, स्पेशल इम्फेसिस ऑन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये मैंने एक सिंपल हेडर बनाया, ये भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेसिकली, उसको एक तमहीद बांध रहा हूँ, कह रहा हूँ यूँ समझ लें, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर इम्फेसिस की, क्योंकि पूरा इसका जो कोर घूमता है ना आपका नेशनल सिक्योरिटी को, वो इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो खैर, सेकंड उसमें चलते हैं, सेकंड हेडिंग में ये है कि जियो इकोनॉमिक्स एट द कोर, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि जियो इकोनॉमिक्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ मेजरली फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल डायलैपिडेटेड हो गई है, पाकिस्तान बिल्कुल एक केओस के अंदर, इकोनॉमिक सिचुएशन के, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द टॉप, सही है। इसके बाद आगे मैंने इसको एंडोर्स किया कि इस्लामाबाद मरगला हिल्स के अंदर ये वाला विजन कॉइन किया था, जियो इकोनॉमिक्स है पाकिस्तान का, ब्लू इकोनॉमिक्स भी वैसे कॉइन किया था उसमें, यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है वो आपका, ब्लू इकोनॉमी पे भी सवाल आ चुका है अलग से। अच्छा, यहाँ हमने रेफ़र किया मरगला टॉक्स को, जो कि March 21 में हुई थी, वहाँ पर ये हमारे स्कॉलर्स रिसर्चर्स बैठे थे, उन्होंने ये वाला आइडिया दिया था जियो इकोनॉमिक्स का। अब यहाँ मैंने रेफरेंस फिर से एक बुक का डाला, मैंने बताया कि राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, यू गाइज मस्ट नो अबाउट दिस बुक, पॉल कैनेडी की बहुत ज़बरदस्त बुक है, मैंने तो पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे इसका रेलेवेंट क्रक्स पता है, ये है कि जियो पॉलिटिक्स अल्टीमेटली सब जियो इकोनॉमिक्स। तो जियो इकोनॉमिक्स बहुत अहम चीज़ है, कंट्री के रिसोर्सेज जब तक स्ट्रांग होंगे, रिसोर्सेज की बात करता है वो, इसमें कंट्री यूटिलाइज एफिशिएंट
इफिशेंटली यूज़ करेगा तो एफिशिएंटली करेगा यूज़, तो फिर इसका वो प्रोग्रेस कर सकता है कंट्री आगे। फिर मैंने मज़ीद रेफरेंस दिए, कोटेशन दिए, जितना आपको याद आता है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करें, ताकि पता चले आपके पास नॉलेज है, आपको चीज़ों के बारे में पता है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट कोट करूँगा इमरान खान की, क्या वी वुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक पॉलिटिक्स, पाकिस्तान ने किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइब टू ब्लॉक पॉलिटिक्स, ये वाली हेडिंग भी डाल सकते हैं आप, वैसे तो ब्लॉक पॉलिटिक्स यूँ होगा। ठीक है, अच्छा ये आपने बता दिया। फिर एक और कोटेशन डाली फॉरेन ऑफिस ने, क्या पाकिस्तान हैज़ नॉट गिवन मिलिट्री बेसिस, बहुत प्यारी कोटेशन है, मिलिट्री बेसिस टू चाइना, रेदर इट हैज़ गिवन इकोनॉमिक बेसिस टू इन गवादर, सेम इकोनॉमिक बेसिस आर बींग ऑफर्ड टू US। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेलिवेंट क्वेश्चन है कि हमने भाई मिलिट्री को, मिलिट्री बेसिस तो किसी को भी नहीं दी ना, तो हम US को क्यों देंगे, US को हमने इकोनॉमिक बेसिस दिए, आके इकोनॉमिकली इस पर इन्वेस्ट करें। तो ये आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया इंट्रोडक्शन के साथ, और उसका थोड़ा सा एम्फेसिस जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। उसने पूछा था कि सेलियंट फीचर्स आपको बताने, तो सेलियंट फीचर्स आप बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे हैं सेलियंट फीचर, आपको पता होने चाहिए, 7 सेलियंट फीचर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ऑल एस्पेक्ट्स को कवर किया, हॉलिस्टिक पिक पॉलिसी को, यहाँ पे बैरी बुजान का भी जिक्र कर सकते हैं आप, बैरी बुजान जिसकी बुक है रीजन्स एंड पावर्स, रीजन्स एंड पावर्स, ठीक है, यू कैन मैंशन हिम एज वेल कि ही हैज़ गिवन दी कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ऑल इनकम पासिंग सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट दिया था इसने, ठीक है, अक्सर इसी पे सवाल आ भी जाता है, ये वाला नाम रेफर करके एक दफ़ा पता नहीं आया हुआ था किस में, मॉक में। तो खैर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने सबसे पहले हाईलाइट करने हैं साइलेंट फीचर, सबसे पहले बताया ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी याद रखने हैं आपने सारे, अब इसको डायग्राम भी है वो हम आगे देख लेंगे, वैसे तो एक डायग्राम पेपर में लाजमी बनानी होती है, वो बहुत अच्छा लगता है ग्राफ टाइप की वो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है ना 62 पेजेस का, उसमें जो चीज़ें बनी है ना वो वहीं से आपने कॉपी करनी है, तब पता चलेगा कि आपने कुछ किया हुआ है। अच्छा आप ह्यूमन सिक्योरिटी पे कैसे किया फोकस किया, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें बहुत ना बहुत वाइड डोमेन का ये सवाल है, पूरा मैं समझता हूँ ओपन एंडेड सवाल दे दिया इन्होंने, और मैक्रो अप्रोच के साथ दे दिया, ये नहीं कि बिल्कुल कम लिख सकें इसमें, तो आप जितना ज़्यादा आपको आता है आप लिख सकते हैं, और क्योंकि कॉमन आसान सवाल है बेसिकली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया मैंने 153 में है, पाकिस्तान को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसको, फूड सिक्योरिटी का हमारा मसला है, ठीक है, 40% फूड स्कार्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, फूड स्कार्स अकॉर्डिंग टू दी FAO, ठीक है, ये अभी आप फैक्ट फिगर्स तो आपने लाजमी अपने फिंगर टिप से कर लेना, आपने हर जगह फैक्ट फिगर घुसाने ही होते हैं, बहुत जगह यूज़ हो सकते हैं, या यूँ याद कर लें आपने फैक्ट फिगर किस किस के बारे में याद रखने हैं, आपने फैक्ट फिगर अनएम्प्लॉयमेंट का कर लें सोशियोलॉजी परस्पेक्टिव से, जो सोशियोलॉजी है ना वो हर जगह फिट होते हैं यार, आपके ऐसे में आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आपके ऑप्शनल्स, जहाँ आप कोई बात करते हैं आपको ज़रूरी होता है कि आपको सोसाइटी के फैक्ट फिगर्स पता होने चाहिए। अब मैं आपको मेजर मेजर चीज़ें बता देता हूँ, आप उनके फैक्ट फिगर निकाल लीजिएगा, ज़ाहिर है रिपोर्ट्स होती हैं वो चीज़ें, मैं हाईलाइट आपके जहन में कर रहा हूँ, सिंपल क्या है, पॉपुलेशन का पता हो आपको, अर्बनाइजेशन वगैरह के हवाले से थोड़ा पता हो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म के इंडेक्स पता हो, टेक्नोलॉजी का पता हो, लिटरेसी रेट, एजुकेशन के हवाले से पता हो, एक्सट्रीमिज्म के थोड़े बहुत पता हो, मतलब टेक्नोलॉजी मैंने बता दी, फूड सिक्योरिटी का लाजमी पता हो आपको, वाटर स्कार्सिटी का पता हो, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स याद हों, बुक्स याद हों, एजुकेशन, मतलब इन सारी चीज़ों को आपको लाजमी याद रखना है। खैर ये तो पासिंग रेफरेंस में बात बता दी कि आपको, ये अभी ह्यूमन सिक्योरिटी पे आते हैं कि पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ह्यूमन सिक्योरिटी पे कैसे किया, हेल्थ सिक्योरिटी पे बात की, एजुकेशन पे बात की है, उसके लिए हेल्थ हेल्थ के लिए सेहत कार्ड निकाला PM PTI की गवर्नमेंट ने, ठीक है, एजुकेशन के अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से पूरी वर्किंग हमने बताई है कि हम कैसे करें। फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडाइज एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ का ऑप्शन है अभी, जैसे शहबाज शरीफ ने भी दी है वो सब्सिडी, पता नहीं 10 बिलियन कितने की रुपीज़ की ना, वो पूरी एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। तो आपने इस तरीके से ह्यूमन सिक्योरिटी वाला पॉइंट बताएंगे, फिर बताएंगे नेशनल सिक्योरिटी का, नेशनल कोहेजन का पॉइंट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, तो इस चीज़ को उठाएंगे कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर पॉलिसी, इसके ऊपर मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ये बोला है रिपोर्ट के अंदर। नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाएं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं एग्जांपल, अगर आपने बताना है कि क्या किया हुआ, जैसे यहाँ हमने बताया क्या क्या किया हुआ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पाकिस्तान वो जो था 2018 का पैगाम पाकिस्तान है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी खुद इट सेल्फ इज़ अ मेजर पॉइंट इन नेशनल कोहेजन, और भी एक दो चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, आप नेशनल कोहेजन पॉलिसीज बनानी चाहिए एंड यूटिलाइजिंग पाकिस्तान सो लोगों को यूज़ करें, नॉट रिलीजन, नॉट
कास्ट क्रीड कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरे नंबर पे आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी का बताएंगे। एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये है कि इंपॉर्टेंट है, देखें ना सिक्योरिटी पॉइंट्स आपको या लाजमी याद रखने हैं, सारे ये मेन फीचर्स के अंदर आते हैं साथ। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने क्या हाईलाइट किया सेकंड फीचर में, कि वो एक कन्वेंशनल थ्रेट है इंडिया का, मिलिट्री नेवी तीनों साइड से, हमारा लैंड और ने वो वाटर की साइड से। फिफ्थ जनरेशन वॉर वो कर रहा है हमारे खिलाफ, जिसमें हाइपर इन्फॉर्मेशन है, साइबर इंटेक्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो पोलैरिटी है, पोलराइजेशन है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं साइबर अटैक्स के अंदर, फिफ्थ जनरेशन के अंदर। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या आता है, जिसके अंदर अफगानिस्तान TTP आ जाते हैं, अलकायदा, ISIS, ETIM, ये तो हमारे लिए मसला नहीं, IUBM पता नहीं, उसकी उज़्बेकिस्तान की भी एक मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये है। खैर ये सारे थ्रेट हैं जो कि कॉज कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का थ्रेट है, मेरी टाइम सिक्योरिटी का थ्रेट, ये सारे हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेवी सबमरीन को हमने इंडिया को दो दफ़ा तीन दफ़ा हाईलाइट किया था ना, टारगेट करके, टारगेट पे लेके आके हमने उनको बताया कि पीछे मूवी भी हमने इसकी बना के रिलीज़ की थी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। अच्छा, चौथे नंबर पे आ जाता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने हाईलाइट किया एक्सट्रीमिज्म के मसले को, टेररिस्ट, सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट, ये वाली टर्मिनोलॉजीज आप याद रख लें, नेशनल सब नेशनलिस्ट वायलेंट ग्रुप्स, ये स्टेट टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको कहते हैं स्टेट टर्मिनोलॉजीज, ये आपको लाजमी पेपर अपने कन्वर्जेशन के अंदर यूज़ करने की ज़रूरत होती है स्टेट टर्मिनोलॉजीज। आप भी बोल सकते हैं, आप बोलेंगे नेशनलिज्म के वेव्स हैं नेशनल, लेकिन असल इनका एग्जैक्ट रिपोर्ट के अंदर जो नाम हाईलाइट हुआ ना, सब नेशनलिस्ट वायलेंट ग्रुप्स और सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स, सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स ये नहीं है, सेक्टेरियन टेर ये आपके वायलेंट बलोच, BLA, BNA, अलकायदा वगैरह जो है ना, सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट के अंदर TLP, TTP इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और भी वो जो हैं जंगवी, लश्कर जंगवी वगैरह। तो ये वाली जो इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है ना, हमें टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म इन दोनों को हमने टैकल करना, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने हाईलाइट किया है। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने गवर्नेंस का मॉडल हाईलाइट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करने की ज़रूरत है, जस्टिस सिस्टम को स्पीडी जस्टिस करना है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये सारी चीज़ें हाईलाइट की, क्राइम रेशो को कम करना है हमने, पब्लिक पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन की करना है, और उसका ऑल इनकम पासिंग बनाना है। तो ये सारे पॉइंट्स समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से आपने सेलिंग फीचर्स को एक्सप्लेन करते जाना है, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, वेस्ट नहीं करना आपने। सही है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो हमने पहले पूरा एक हेडर यूज़ कर लिया, इसको थोड़ा सा हल्का सा फिर बता देंगे कि हमने बोला है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे स्टेट्स के साथ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, रशिया विजिट हुए हैं उज़्बेकिस्तान के, सर्जियो मिकारोव जो इनके वो हैं PM, CARs के जो हैं सेंट्रल एशियन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, SCO की मीटिंग हुई है CARs के अंदर, रशिया के साथ जो विजिट किया FAB के अंदर, CPEC के अंदर वर्किंग प्रोग्रेस चल रही है, शहबाज शरीफ अभी गए, ईरान के साथ डील चल रही है हमारी, अच्छी बात चल रही है, पाइपलाइन वगैरह को हम परसू कर सकते हैं, तुर्की के साथ जो ट्रेन वगैरह हमारा प्रोजेक्ट्स हैं, और एक्सपोर्ट वाला भी पिछले दिनों शहबाज शरीफ गए हैं तो उन्होंने बात की है कि हम अपने पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे। सारे रिपोर्ट्स आप इसके अंदर एग्जैक्टली मतलब हर चीज़ बताने लग गए तो फिर तो टाइम चला गया ना आपका, लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के तहत आपको लिखनी होती हैं चीज़ें। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हम से हाईलाइट कर चुके हैं, इसके बाद फॉरेन पॉलिसी को हमने हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हाईलाइट किया गया है। उसके अंदर ये बताया कि हमने फ्रेंडली रिलेशंस रखने हैं सबके साथ, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, ईरान हमारा ब्रदर है, हाईलाइट किया गया हमने ये नेबर्स को हाईलाइट किया इसके अंदर। ठीक है, ये आपने समझना है सारा, नेबर्स के ईरान ब्रदर है हमारा, इंडिया के साथ हम गुड रिलेशन रख सकते हैं, ट्रेड के ऑप्शंस खोल सकते हैं, ये वाली बात रख गई है हमने। अफगानिस्तान के अंदर हमने ओवरऑल देखे ना, हम होलिस्टिक पिक्चर समझे कि हमने जियो इकोनॉमिक्स की बात की है, जियो इकोनॉमिक्स की बात की है मतलब हमने हर लिहाज से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करनी। तो इसके हवाले से आप बोलेंगे यहाँ पे यही चीज़ फॉरेन पॉलिसी में भी हमारा रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि फॉरेन पॉलिसी का हेडर आया ना सातवां रिपोर्ट के अंदर, उसमें भी ये बात की गई कि हमने ट्रेड ऑप्शंस को परसू करना है, हमने राइवलरीज नहीं लेके चलनी, हमने सिक्योरिटी ऑप्शन को कम करना है, हमने अपनी ट्रेड को बढ़ाना है, कॉपरेशन को बढ़ाना है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म लेके आनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आना है मुल्क के अंदर। इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर हमने बोला कि हमारी पॉलिसी रही है शुरू से पीस इन अफगानिस्तान, पीस इन पाकिस्तान, पीस विद इन, पीस विदाउट वाली पॉलिसी। चाइना की ऑब्वियसली हमें पता है, आयरन फिस्ट कंट्री हमारा ब्रदर है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जितनी टेक्नोलॉजी है सारी यहाँ डाल दें आप, इसको को कंसाइज करके इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना आना चाहिए। बेसिकली ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को पैराग्राफ में लिखें, आप पॉइंट्स बनाएं, आप इसका छोटे हेडर के अंदर मजे के हेडर बनाएं, पॉइंट्स बनाते जाएं, ग्राफ बनाएं, जैसे ही मैंने ऊपर, तो खैर ये थोड़ा सा कंबाइन हो गया ये ऊपर, आपको सबसे पहले तो एक क्या करना है, इस तरीके से NSP लिख के उसके इर्द गिर्द यूँ बहुत सारे निकाल के हेडर्स उस पर लिखने हैं, और मतलब इस तरीके से अब नई नई चीज़ें ढूंढें। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर आप आराम से एक मैप बना सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी में तो चलो इतना नहीं यूज़ होगा,
इंटरनल सिक्योरिटी में आप बलूचिस्तान वगैरह की साइड बना सकते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी में चलें, ये तो हो गया, फॉर साइलेंट फीचर्स हो गया। बेसिकली उसने पूछा है कि किस तरीके से कंप्लीट कर रहा है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को कि नहीं कंप्लीट कर रहा, प्रोस्पेक्ट्स टू अचीव नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स को कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगे हैं। हमने बताया कि कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी ऑल इनकम्पासिंग पॉलिसी है कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सही है, टारगेट एवरिंग सेक्टर कर रहा है, हुआ क्या आप सीन, यहाँ हमने बताना है कि फंक्शनिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कैन टैकल द पार्ट्स, अब हमें करना क्या चाहिए, इसमें यह लिखा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म जो है ना, नेशनल क्रिटिसिज्म ऑन एनएसपी यही है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोई इदारा नहीं है बताया, जो इंस्टीट्यूशन जो कि डील करेगा, ये नहीं पता किसी को, ये नहीं पता कि कौन से वेज हैं, कोई प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजी नहीं बताई इन्होंने, किस तरीके से एवेल्यूएट करेंगे प्रोग्रेस को ये नहीं बताया इसमें, तो ये बहुत सारे फ्लॉ हैं, पार्लियामेंट के अप्रूवल नहीं है इसके अंदर, तो ये क्रिटिसिज्म पे सवाल आया तो आपने ये सारे पॉइंट्स को अलग से डील करना है। फिलहाल यहाँ क्रिटिसिज्म से सवाल नहीं है तो हम नहीं बताएंगे इसको, हम ओवरऑल पॉलिसी के ये फीचर्स बताए, उसके एवेल्यूएशन कर रहे हैं हम आगे उसकी, हम बता रहे हैं कि फंक्शनिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, कैन टैकल द पाकिस्तान इकोनॉमिक वोज को कैसे कर सकते हैं, वी हैव टू इन्हांस आवर टाइज विद द यूएस, विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, विद द रीजनल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, हमें रीजनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर लेके जाएं इसको। इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट कैसे डेवलप किया कि फॉरन मिनिस्टर ने मीटिंग किया यूएस के साथ, रिवाइवल ऑफ टाइज हो रहा है, ठीक है, ये हम यहाँ लगाएंगे, रिवाइवल रिलेशन हो रहे हैं यूएस के साथ हमारे। फिर हम बताएंगे एससीओ की मीटिंग हुई है सितंबर 2022 के अंदर, ठीक है, 16 सितंबर 2022 को पुटिन के साथ बात हुई, पुटिन ने बोला रशिया ऑयल ऑफर किया पाकिस्तान को, ठीक है, इमरान ने बोला इम्प्रूव टाइज करेंगे इसको, चाइना तो ऑब्वियसली हमारा वैसे ही क्लोज पार्टनर है, हर ऑल एरियाज़ के अंदर कॉपरेट कर रहा है, कल्चरल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल, सब के अंदर कर रहा है, एग्रीकल्चर। अच्छा, सी पैक का आ जाएगा, गवादर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की कि वो फिल स्विंग में जाएंगे, कि वो शहबाज शरीफ का रिसेंट विजिट आया उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि हमने अपने इसको इन्हांस करेंगे प्रोजेक्ट्स को, टाइस को, सिक्योरिटी हम देंगे चाइनीज़ को, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बताया एक पॉइंट कि कैसे हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से इकोनॉमिक वोस को डील कर सकते हैं, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने कहा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमने बताया मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना कैन हेल्प पाकिस्तान इन टैकलिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स। चाइना बेसिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पावर है, सेकंड इकॉनमी है, लार्जेस्ट इकॉनमी, तो उसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसके साथ हर लिहाज से अपने टाइज इंप्रूव करने हैं, हम अपनी टेंडेंसी प्रोक्लिविटी हमें चाइना की तरफ रखनी है, ठीक है, लेकिन अब इसके लिए आपको फिर बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, यूएस को डील करना है, आपने चाइनीज़ के पर्सनल को ट्रस्ट डेफिसिट को ओवरकम करना है, क्योंकि वो ओवरकम ट्रस्ट डेफिसिट जब से दासू अटैक हुआ है, के यू अटैक आया है, के यू वाला जो हुआ है कॉन्फ्यूशियस स्कूल, तो वो एड क्या करना है, एड फ्लड की एड दी है उन्होंने हमें, एससीओ मीटिंग में विजिट पीएम ने विजिट किया फॉरेन मिनिस्टर ने, चाइना का टाइज इंप्रूव हो रहे हैं हमारे, ये जे सी आई ओ सी ये जो 10 आपके जहाज़ हमने लिए हैं, प्लेन्स, एयरप्लेन, फाइटर प्लेन्स, वो हमने चाइना से, नेवल शिप्स हमने चाइना से लिए, सबमरीन लिए हैं, कश्मीर के स्टैंड पे वो हमें सपोर्ट कर रहा है, हम उधर ताइवान के स्टैंड पे सपोर्ट, तो ओवरऑल चाइना के साथ हमें अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को बेहतर करना है इन ऑर्डर टू परसू और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो इसमें ये सारी बातें बताई हैं, तो हम ये बता रहे हैं इसमें। इसमें बेसिकली हम डेवलपमेंट्स का जिक्र करें, एक डेवलपमेंट पे यार आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो यहाँ तो 10-10 डेवलपमेंट्स मैंने एंटर की हुई हैं, तो आपको बहुत जुडिशियसली अपने टाइम को मैनेज करके क्वेश्चंस को पूरा करना होता है। तीसरे नंबर पे मैंने बताया पॉलिसी ऑफ रीजनलिज्म वुड हेल्प पाकिस्तान टू काउंटर टेररिज्म, ये रीजनलिज्म की पॉलिसी को लेके चलें, एससीओ के प्लेटफॉर्म पे लेके चलें, हमने एससीओ नहीं जिक्र किया, एससीओ का प्लेटफॉर्म लेके चलें, रेड्स का जो उनका वो बना हुआ है टेररिज्म का रीजनल इंटीग्रेशन टेररिज्म काउंटर करने वाला, काउंटर टेररिज्म के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसको काउंटर टेररिज्म लेके चलें, चाइना की को इनकॉर्पोरेट करें, रीजनल प्लेयर्स को लें, चाइना, रशिया, कतर, पाकिस्तान, इन सबको लेके आएँ, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी के रिमार्क्स भी यहाँ पे लिखे हैं, रिलेशन विद तालिबान टू इम्प्रूव सिक्योरिटी इन द रीजन, तालिबान को करनी है चाइना और ताइवान के, चाइना तालिबान के विजिट्स हो रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें करना क्या है कि रीजनलिज्म की पॉलिसी को एडवोकेट करना है और ताइवान, अफगानिस्तान के अंदर इशूज़ को, टेररिज्म के इश्यूज़ को टैकल करने की ज़रूरत है, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखने की ज़रूरत है, विल हेल्प पाकिस्तान के अपने क्या ग्रेट पावर गेम के अंदर रावल नहीं बनना, चेस गेम के अंदर चेकमेट नहीं होना, चेस गेम, ठीक है, ये वाली वो भी एक कोटेशन है कि डिप्लोमेसी इज़ द गेम वेयर स्मॉल स्टेट्स आर बीइंग चेकमेटेड, स्टेट्स आर बीइंग चेकमेटेड, इस तरह। तो फॉरेन पॉलिसी नॉट टू बिकम जियो पोलिटिकल फुटबॉल, हमने नहीं बनना, ये अभी आपके उसने बताया बोला था बिलावल भुट्टो ने, तो इस तरीके से आपको पूरी चीज़ें को लेके चलना होता है। अब यहाँ पांचवा पॉइंट, नेशनल इंटीग्रेशन विल हेल्प इन टैकलिंग एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, अब इंटरनल चैलेंजेस को भी तो टैकल करना है, एक्सट्रीमिज्म को कैसे टैकल कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को टैकल कर सकते हैं, यहाँ बुक की मैंने रेफर किया सिंगल नेशनल करिकुलम, इसमें अच्छा एक वे फॉरवर्ड है,
आयशा जलाल की बुक में जो स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान बताया गया आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है जिस वजह से पाकिस्तान इस दहाने पे आजकल खड़ा हुआ है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, इस तरीके से आपने इन्हांस करने बताने, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे हम साइबर थ्रेट को, टेक डेवलपमेंट, HDI डेवलपमेंट इसके अंदर ही आ जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ताकि हम डील कर सकें सारी ब्रेन ड्रेन के इशू को, कैपेसिटी के इशू को, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐड कर सकें। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से हम ये सारी चीज़ें डील कर सकें, हम साइबर वॉर को डील कर सकें, ठीक है, हमें साइबर बंदे चाहिए, ट्रेंड बंदे। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट एनालिसिस करके डालना है। अच्छा, कंक्लूजन में आप सारी चीज़ें, खैर एग्जैक्टली उसको कंक्लूड करें, वही बात है, कंक्लूजन अपना अपना। और यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी वो लाजमी बनानी है, जो कि उसकी फीडबैक उसके अंदर बनी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जो डॉक्यूमेंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी यूं करके ये नीचे आ रहा है, डिवाइड हो रहा है ह्यूमन सिक्योरिटी में और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। ह्यूमन सिक्योरिटी में बेसिकली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वही जो पहले थी, मिलिट्री थ्रेट वाला, सही है। अब ये डायग्राम ये कह रही है बेसिकली ये फीडबैक कर रहा है वापस इनटू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक सिक्योरिटी मस्ट बी एट द कोर ऑफ एवरी सिक्योरिटी। ये होगी तो ह्यूमन सिक्योरिटी होगी, ये होगी तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होगी, आर्मी वाली सारी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी होगी इससे। तो ये दोनों हमने करनी है। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमने बात कर ली ऊपर सारे सैलियंट फीचर्स के अंदर। तो ये था इस सवाल का मतलब तरीका सॉल्व करने का। आप इसमें ज़ाहिर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा पूरा। इसमें मैंने मज़ीद आपको एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स ऐड किए हैं, तो यू कैन ईजिली टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस।